दोस्तों, मुंबई और कराची दोनों ही भारत और पाकिस्तान की इकोनॉमिक कैपिटल्स कहलाती हैं। हाँ, अपने देश की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा है। दोनों ही शहर समुन्दर के किनारे हैं, जिस वजह से समुद्री व्यापार में भी दोनों के बीच एक अच्छा कंपटीशन चलता रहता है। लेकिन कभी कभी मन में सवाल तो आता ही है कि इकोनॉमी में, रहने सहने में और खाने पीने में दोनों में कौन सा शहर बेहतर है। तो अगर आपको कभी ये सवाल परेशान कर रहा है तो बने रहिए वीडियो के अंत, क्योंकि आज हम इसी का विश्लेषण करने वाले हैं। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कराची की, वो शहर जो पाकिस्तान के 95% फॉरेन ट्रेड के लिए जिम्मेदार है। कराची में कई इंडस्ट्रीज हैं, जिस वजह से कराची की पॉपुलेशन 1.64 करोड़ है, जिसमें से 20 लाख बंगाली, 1 लाख अफगानी और 4 लाख रोहिंग्या रहते हैं। और कराची की पॉपुलेशन में हर साल 2.27% की ग्रोथ देखने को मिलती है। कराची के पास मुस्लिम वर्ल्ड का सबसे बड़ा शहर होने का खिताब भी है। कराची को 1729 में कुछ बलोच ट्राइब्स ने बसाया था और इसे उन्होंने कालोची कहा, पर वक्त गुजरते गुजरते यहाँ का नाम बदलकर कराची हो गया। वही मुंबई भारत की जान है, न सिर्फ अपनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और मोटे व्यापार के कारण, लेकिन इसलिए भी क्योंकि इसी शहर में पूरा बॉलीवुड बसता है। मुंबई में इस वक्त 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं, जिनमें लगभग सभी धर्मों के लोग शामिल हैं। फिर वो 65.99% हिंदू हो या 20.65% मुस्लिम्स। मुंबई में बुद्धिस्ट और जैन पॉपुलेशन काफी है और इसके अलावा वहाँ 3.37% क्रिश्चियंस भी बसते हैं। मुंबई पहले आइल ऑफ बॉम्बे, कोलाबा, माहिम, पारेल और वर्ली समेत 7 अलग अलग आइलैंड्स में बटा हुआ था, जिसमें हजारों सालों से कोली और आगरी समाज के लोग रहते थे। फिर आज से 2300 साल पहले मौर्य वंश के राज में मुंबई दुनिया तक बौद्ध और हिंदू धर्म का केंद्र हो गया और यहाँ से दुनिया के अलग अलग कोने तक लोग जाने लगे। 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों से लड़कर अंग्रेजों ने यहाँ कब्जा कर लिया और ब्रिटिश राज के अधीन आ गया। उन्हीं से बॉम्बे नाम मिला और 1995 के बाद शहर का नाम मुंबई है। मुंबई की पॉपुलेशन डेंसिटी आज के वक्त में 73,000 लोग प्रति स्क्वायर माइल है और ये भारत के 70% समुद्री व्यापार का केंद्र है। मुंबई इस वक्त भारत का 33% इनकम टैक्स कलेक्ट करता है और विदेशों से यहाँ कई तरह के सामान आने के कारण यहीं से देश की 60% कस्टम ड्यूटी और 20% सेंट्रल एक्साइज टैक्स वसूला जाता है। मुंबई से ही भारत का 40% फॉरेन ट्रेड भी होता है, साथ ही यहाँ के 100% स्टॉक एसेट भी रखता है। मुंबई का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दुनिया के कुछ पुराने स्टॉक एक्सचेंजेस में से एक है। वहीं कराची की बात की जाए तो कराची की पॉपुलेशन डेंसिटी 63,000 लोग प्रति स्क्वायर माइल है, जो मुंबई से कम है। साथ ही कराची से पाकिस्तान का 1/3 रेवेन्यू निकलता है। कराची इसके अलावा पाकिस्तान के 30% इंडस्ट्रियल आउटपुट के लिए भी जिम्मेदार है। मुंबई में एक एवरेज आदमी की सैलरी 36,600 रुपए, जिसमें से सबसे कम कमाने वालों की औसत आय 9,260 रुपए, जबकि सबसे ज्यादा कमाने वालों की औसत आय 1,63,000 रुपए। कराची में एवरेज सैलरी 88,000 पाकिस्तानी रुपए, जो इस वक्त 37,000 भारतीय रुपयों के करीब है। इसके अलावा पाकिस्तान में सबसे कम कमाने वालों की संख्या 9,387 रुपयों के करीब है, तो सबसे ज्यादा कमाने वालों की औसत आय 1,65,000 भारतीय रुपयों के करीब है। यानी कराची के लोग औसतन मुंबई से ज्यादा पैसा कमाते हैं। लेकिन ये बात भी ध्यान देने लायक है कि कराची की जीडीपी इस वक्त $164 बिलियन की है, जो पाकिस्तान की कुल जीडीपी का 20% है। वहीं मुंबई की जीडीपी इस वक्त $400 बिलियन की है, जो भारत की विशाल 3 ट्रिलियन जीडीपी का 13% है। अब आपने देख लिया कि इन शहरों में कितना पैसा, लेकिन जहाँ पैसा होता है वही क्राइम भी रहता है। मुंबई हमेशा से हाजी मस्तान से लेकर दाऊद इब्राहिम जैसे डॉन्स की वजह से मशहूर रही है। मुंबई में कनेक्शन सड़क से लेकर बॉलीवुड की पार्टी और क्रिकेट के स्टेडियम्स तक था। मुंबई में आखिरी कुछ सालों में सख्त हुए पुलिस प्रशासन ने काफी कामयाबी हासिल की है और अब मुंबई में इस तरह के डॉन्स का दिखना उतना आम नहीं है। इनमें से या तो कुछ मारे जा चुके या देश से बाहर हैं। लॉकडाउन में भी मुंबई क्राइम के मामले में नीचे गिरकर तीसरे स्थान पर आ गई थी और 2021 में तो मुंबई क्राइम के मामले में भारत के 3rd से 5वें स्थान पर गिर गई। कराची में भी क्राइम का सीन कम नहीं था, छोटे मोटे चोरों से लेकर बड़े नामी डॉन्स एक वक्त पर कराची की सड़कों पर दिख जाते थे। एक वक्त तो ये था कि कराची वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स में 6वें नंबर पर था और ये आंकड़े बहुत पुराने नहीं है, 2014 के हैं। वैसे आज कराची में क्राइम को लेकर काफी सख्ती हुई है और उन्होंने कुछ वक्त तक काफी तेजी से इसे कम किया और 2020 में कराची 6ठे स्थान से गिरकर 103वें स्थान पर आ गया।
हाल ही में हुई अफगानिस्तान घटना के बाद। हालांकि वहां पर जिहादी ताकतों ने फिर से डेरा डाला है और लगातार पाकिस्तान की सरकार उनसे परेशान है। खैर, बीच बीच में लीक होती न्यूज की माने तो कराची के पास दाऊद इब्राहिम भी है। आगे बढ़ते हुए अब बढ़ते हैं इन दोनों शहरों की कल्चरल और सोशल साइड पर। तो मुंबई में आपको लोग गुजराती, मराठी, हिंदी और इंग्लिश बोलते मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पर सभी धर्मों के धार्मिक स्थल मौजूद हैं और बिना किसी परेशानी के लोग अपने त्योहार मनाते हैं। मुंबई को भारत की एंटरटेनमेंट कैपिटल भी कहते हैं, जहाँ सभी बड़े एक्टर्स रहते हैं और काम की तलाश में हजारों एक्टर्स यहाँ अपनी किस्मत आजमाने आ जाते हैं। मुंबई में इसके अलावा टूरिज्म भी काफी फैला हुआ है। मुंबई के बीचेस से लेकर वहाँ गेटवे ऑफ इंडिया, एलिफेंटा केव्स और नेशनल पार्क और ना जाने क्या क्या है जो लोगों को मुंबई की तरफ आकर्षित करता है। यहाँ हर साल 7 लाख से ज्यादा टूरिस्ट देखे जाते हैं और देश भर की कुल टूरिस्ट स्पेंडिंग में अकेला मुंबई शहर ही 35.7% के लिए जिम्मेदार है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हर साल 4 करोड़ से ज्यादा लोगों की भीड़ देखी जाती है और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद ये भारत का दूसरा सबसे बिजी एयरपोर्ट है। कराची में आपको लोग उर्दू और इंग्लिश बोलते ज्यादा मिलेंगे और मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे बड़ा मस्जिद कराची शहर में ही है। कराची इसके अलावा अपने मुशायरों के लिए भी काफी मशहूर है, जहां पाकिस्तानी लिटरेचर की बड़ी हस्तियों से लेकर नए उभरते शायर भी आपको मिल जाएंगे। कराची का जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट हर साल 6 लाख लोगों की भीड़ देखता है और वैसे तो कराची ज्यादातर अपने बिजनेस के लिए जाना जाता है, लेकिन वहां पर क्लिफ्टन बीच, फ्रेंच बीच और लकी वन मॉल जैसी चीजें भी हैं। आपको बता दें कि लकी वन मॉल पूरे साउथ एशिया का सबसे बड़ा मॉल है। इसके अलावा वहां पर अंग्रेजों के दौर से चली आ रही मशहूर एम्ब्रेस मार्केट भी है, जिसे देखने लोग आते रहते हैं। कराची के बारे में जो एक और बात बहुत मशहूर है वो है यहाँ का खाना। कराची में आपकी बिरयानी और पाया से लेकर उत्तर प्रदेशी, बंगाली और बिहारी थाली तक मिल जाएगी, लेकिन खाने के मामले में मुंबई भी कम नहीं है। जहाँ मुंबई में आपको नॉर्थ से साउथ इंडियन हर तरह का कुजीन मिल जाएगा, वहीं मुंबई का पाव वहाँ की खासियत है। वहाँ का वड़ा पाव, मिसल पाव या और बहुत तरह के पाव। साथ ही मुंबई के पास लोकल ट्रेन और अब मेट्रो की सुविधा भी है, जो अभी कराची में नहीं है। साथ ही कराची का मौसम भी काफी गर्म रहता है, जहाँ मई के वक्त गर्मी 40 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाती है। वहीं मुंबई की बात अगर की जाए तो मुंबई के इतिहास में सबसे गर्म दिन वहाँ तापमान 36 डिग्री तक पहुँचा था और ज्यादातर वहाँ पर गर्मी नहीं रहती। तो ये थी दोनों शहरों के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। उम्मीद है आपको ये वीडियो देखकर मजा आया होगा। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और आपको जिंदगी भर किसी शहर में रहने का मौका मिले तो आप कहाँ रहना पसंद करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मुंबई और कराची दोनों ही भारत और पाकिस्तान की इकोनॉमिक कैपिटल्स कहलाती है और अपने देश की GDP का एक बड़ा हिस्सा है। दोनों ही शहर समुन्दर के किनारे हैं, जिस वजह से समुद्री व्यापार में भी दोनों के बीच एक अच्छा कंपटीशन चलता रहता है। लेकिन कभी कभी मन में सवाल तो आता ही है कि इकोनॉमी में, रहने सहने में और खाने पीने में दोनों में कौन सा शहर बेहतर है। तो अगर आपको कभी ये सवाल परेशान कर रहा है तो बने रहिए वीडियो के अंत, क्योंकि आज हम इसी का विश्लेषण करने वाले हैं। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कराची की, वो शहर जो पाकिस्तान के 95% फॉरेन ट्रेड के लिए जिम्मेदार है। कराची में कई इंडस्ट्रीज हैं, जिस वजह से कराची की पॉपुलेशन 1.64 करोड़ है, जिसमें से 20 लाख बंगाली, 1 लाख अफगानी और 4 लाख रोहिंग्या रहते हैं। और कराची की पॉपुलेशन में हर साल 2.27% की ग्रोथ देखने को मिलती है। कराची के पास मुस्लिम वर्ल्ड का सबसे बड़ा शहर होने का खिताब भी है। कराची को 1729 में कुछ बलोच ट्राइब्स ने बसाया था और इसे उन्होंने कालोची कहा, पर वक्त गुजरते गुजरते यहाँ का नाम बदलकर कराची हो गया। वही मुंबई भारत की जान है, न सिर्फ अपनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और मोटे व्यापार के कारण, लेकिन इसलिए भी क्योंकि इसी शहर में पूरा बॉलीवुड बसता है। मुंबई में इस वक्त 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं, जिनमें लगभग सभी धर्मों के लोग शामिल हैं, फिर वो 65.99% हिंदू हो या 20.65% मुस्लिम्स। मुंबई में बुद्धिस्ट और जैन पॉपुलेशन काफी है और इसके अलावा वहाँ 3.37% क्रिश्चियंस भी बसते हैं। मुंबई पहले आइल ऑफ बॉम्बे, कुलाबा, माहिम, पारेल और वर्ली समेत 7 अलग-अलग आइलैंड्स में बटा हुआ था, जिसमें हजारों सालों से कोली और आगरी समाज के लोग रहते थे। फिर आज से 2300 साल पहले मौर्य वंश के राज में मुंबई दुनिया तक बौद्ध और हिंदू धर्म का केंद्र हो गया और यहाँ से दुनिया के अलग अलग कोने तक लोग जाने लगे। 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों से लड़कर अंग्रेजों ने यहाँ कब्जा कर लिया और ब्रिटिश राज के अधीन आ गया। 1900 से बॉम्बे नाम मिला
और 1995 के बाद शहर का नाम मुंबई है। मुंबई की पॉपुलेशन डेंसिटी आज के वक्त में 73,000 लोग प्रति स्क्वायर माइल है और यह भारत के 70% समुद्री व्यापार का केंद्र है। मुंबई इस वक्त भारत का 33% इनकम टैक्स कलेक्ट करता है और विदेशों से यहाँ कई तरह के सामान आने के कारण यहीं से देश की 60% कस्टम ड्यूटी और 20% सेंट्रल एक्साइज टैक्स वसूला जाता है। मुंबई से ही भारत का 40% फॉरेन ट्रेड भी होता है, साथ ही यहाँ के 100% स्टॉक एसेट भी रखता है। मुंबई का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दुनिया के कुछ पुराने स्टॉक एक्सचेंजेस में से एक है। वहीं कराची की बात की जाए तो कराची की पॉपुलेशन डेंसिटी 63,000 लोग प्रति स्क्वायर माइल है, जो मुंबई से कम है। साथ ही कराची से पाकिस्तान का 1/3 रेवेन्यू निकलता है। कराची इसके अलावा पाकिस्तान के 30% इंडस्ट्रियल आउटपुट के लिए भी जिम्मेदार है। मुंबई में एक एवरेज आदमी की सैलरी 36,600 रुपए, जिसमें से सबसे कम कमाने वालों की औसत आय 9,260 रुपए, जबकि सबसे ज्यादा कमाने वालों की औसत आय 1,63,000 रुपए। कराची में एवरेज सैलरी 88,000 पाकिस्तानी रुपए, जो इस वक्त 37,000 भारतीय रुपयों के करीब है। इसके अलावा पाकिस्तान में सबसे कम कमाने वालों की संख्या 9,387 रुपयों के करीब है, तो सबसे ज्यादा कमाने वालों की औसत आय 1,65,000 भारतीय रुपयों के करीब है। यानी कराची के लोग औसतन मुंबई से ज्यादा पैसा कमाते हैं। लेकिन ये बात भी ध्यान देने लायक है कि कराची की जीडीपी इस वक्त $164 बिलियन की है, जो पाकिस्तान की कुल जीडीपी का 20% है। वहीं मुंबई की जीडीपी इस वक्त $400 बिलियन की है, जो भारत की विशाल 3 ट्रिलियन जीडीपी का 13% है। अब आपने देख लिया कि इन शहरों में कितना पैसा, लेकिन जहाँ पैसा होता है वही क्राइम भी रहता है। मुंबई हमेशा से हाजी मस्तान से लेकर दाऊद इब्राहिम जैसे डॉन्स की वजह से मशहूर रही है। मुंबई में ये कनेक्शन सड़क से लेकर बॉलीवुड की पार्टी और क्रिकेट के स्टेडियम्स तक था। मुंबई में आखिरी कुछ सालों में सख्त हुए पुलिस प्रशासन ने काफी कामयाबी हासिल की है और अब मुंबई में इस तरह के डॉन्स का दिखना उतना आम नहीं है। इनमें से या तो कुछ मारे जा चुके या देश से बाहर हैं। लॉकडाउन में भी मुंबई क्राइम के मामले में नीचे गिरकर तीसरे स्थान पर आ गई थी और 2021 में तो मुंबई क्राइम के मामले में भारत के तीसरे से पांचवे स्थान पर गिर गई। कराची में भी क्राइम का सीन कम नहीं था। छोटे मोटे चोरों से लेकर बड़े नामी डॉन्स एक वक्त पर कराची की सड़कों पर दिख जाते थे। एक वक्त तो ये था कि कराची वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स में 6 नंबर पर था और ये आंकड़े बहुत पुराने नहीं है, 2014 के हैं। वैसे आज कराची में क्राइम को लेकर काफी सख्ती हुई है और उन्होंने कुछ वक्त तक काफी तेजी से इसे कम किया और 2020 में कराची 6 स्थान से गिरकर 103वें स्थान पर आ गया। हाल ही में हुई अफगानिस्तान घटना के बाद हालांकि वहां पर जिहादी ताकतों ने फिर से डेरा डाला है और लगातार पाकिस्तान की सरकार उनसे परेशान है। खैर, बीच बीच में लीक होती न्यूज की माने तो कराची के पास दाऊद इब्राहिम भी है। आगे बढ़ते हुए अब बढ़ते हैं इन दोनों शहरों की कल्चरल और सोशल साइड पर। तो मुंबई में आपको लोग गुजराती, मराठी, हिंदी और इंग्लिश बोलते मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पर सभी धर्मों के धार्मिक स्थल मौजूद हैं और बिना किसी परेशानी के लोग अपने त्योहार मनाते हैं। मुंबई को भारत की एंटरटेनमेंट कैपिटल भी कहते हैं, जहाँ सभी बड़े एक्टर्स रहते हैं और काम की तलाश में हजारों एक्टर्स यहाँ अपने किस्मत आजमाने आ जाते हैं। मुंबई में इसके अलावा टूरिज्म भी काफी फैला हुआ है। मुंबई के बीचेस से लेकर वहाँ गेटवे ऑफ इंडिया, एलिफेंटा केव्स और नेशनल पार्क और ना जाने क्या क्या है जो लोगों को मुंबई की तरफ आकर्षित करता है। यहाँ हर साल 7 लाख से ज्यादा टूरिस्ट देखे जाते हैं और देश भर की कुल टूरिस्ट स्पेंडिंग में अकेला मुंबई शहर ही 35.7% के लिए जिम्मेदार है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हर साल 4 करोड़ से ज्यादा लोगों की भीड़ देखी जाती है और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद ये भारत का दूसरा सबसे बिजी एयरपोर्ट है। कराची में आपको लोग उर्दू और इंग्लिश बोलते ज्यादा मिलेंगे और मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे बड़ा मस्जिद कराची शहर में ही है। कराची इसके अलावा अपने मुशायरों के लिए भी काफी मशहूर है, जहाँ पाकिस्तानी लिटरेचर की बड़ी हस्तियों से लेकर नए उभरते शायर भी आपको मिल जाएंगे। कराची का जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट हर साल 6 लाख लोगों की भीड़ देखता है और वैसे तो कराची ज्यादातर अपने बिजनेस के लिए जाना जाता है, लेकिन वहाँ पर क्लिफ्टन बीच, फ्रेंच बीच और लकी वन मॉल जैसी चीजें भी हैं। आपको बता दें कि लकी वन मॉल पूरे साउथ एशिया का सबसे बड़ा मॉल है। इसके अलावा वहां पर अंग्रेजों के दौर से चली आ रही मशहूर एम्ब्रेस मार्केट भी है, जिसे देखने लोग आते रहते हैं। कराची के बारे में जो एक और बात बहुत मशहूर है वो है यहाँ का खाना। कराची में आपकी बिरयानी और पाया से लेकर उत्तर प्रदेशी, बंगाली और बिहारी थाली तक मिल जाएगी, लेकिन खाने के मामले में मुंबई भी कम नहीं है। जहाँ मुंबई में आपको नॉर्थ से साउथ इंडियन हर तरह का कुजीन मिल जाएगा, वहीं मुंबई का पाव वहाँ की खासियत है। वहाँ का वड़ा पाव, मिसल पाव या और बहुत तरह के पाव
साथ ही मुंबई के पास लोकल ट्रेन और अब मेट्रो की सुविधा भी है जो अभी कराची में नहीं है। साथ ही कराची का मौसम भी काफी गर्म रहता है, जहां मई के वक्त गर्मी 40 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाती है। वहीं मुंबई की बात अगर की जाए तो मुंबई के इतिहास में सबसे गर्म दिन वहां तापमान 36 डिग्री तक पहुंचा था और ज्यादातर वहां पर गर्मी नहीं रहती। तो ये थी दोनों शहरों के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। उम्मीद है आपको ये वीडियो देखकर मजा आया होगा। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और आपको जिंदगी भर किसी शहर में रहने का मौका मिले तो आप कहाँ रहना पसंद करेंगे? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।